Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start part 7 of your chapter number 6, the triangle and its properties. जिसमें आज हम इसकी exercise 6.3 का question number 2 इस video में cover up करेंगे. तो जल्दी से start करते हैं, open your books with question number 2 and also make sure to subscribe the channel. तो देखो, ये जो question है इसमें हमें काफी सारे diagrams दे रखे हैं जिसमें हमें x and y की value फाइंड करने. तो सबसे पहले समझ लो, हम दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो हमने पहले वाली एक्सरसाइजेज में सीखी हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये सीखी थी, मैं अभी समझाती हूँ ये क्या होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, दैट सम of all interior angles is equal to 180 degree. ठीक है, ये दोनों सीखी थी. सबसे पहले फर्स्ट वाले समझ लो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, कि आप कोई भी दो इंटीरियर एंगल ले लो. जैसे हम इस डायग्राम में ले लेते हैं ये दोनों अंदर है, मतलब इन दोनों का सम, ठीक है, इज इक्वल टू लगा देते हैं. ऑपोजिट, इन दोनों के ऑपोजिट कौन है, वाई एक्सटीरियर, और वाई का एक्सटीरियर क्या है, एक्स. इट मीन्स इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के. ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1. एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180. ऑल मतलब जो तीनों है, दैट 50 प्लस 60 प्लस y, ये तीनों हो गए ना, इज इक्वल टू 180. ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखते जाना, फर्स्ट से शुरू करते हैं. फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 50 डिग्री एक्स वाई एंड द 120 डिग्री. तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 50 डिग्री प्लस एक्स, ये क्या है, इंटीरियर. सो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है, इज इक्वल टू ऑपोजिट, इनका ऑपोजिट वाई उसका एक्सटीरियर. इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे. कैसे, 50 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, 50 इधर प्लस का है हमारा, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो सिंपली हमारे पास इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 70 डिग्री. ठीक है, अब एक्स निकल गया, अभी हमें क्या निकालना है इसमें, वाई. अब देखो, एक्स की जगह मैं यहाँ लिख लेती हूँ 70 डिग्री, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल गई है. अब वाई देखो कैसे निकलेगा, तीनों में से दो एंगल पता है तो तीसरा भी निकाल सकते हैं. कैसे, देखो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस वाई, ये क्या हो गए, तीनों इंटीरियर. इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो रही है, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हो कि हमने ये क्यों लिखा. सो देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो वाई निकालने के लिए हमें 120 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा. सो इट विल गेट नेगेटिव. तो माइनस करके जो वाई की वैल्यू है वो क्या आ गई, 60 डिग्री. सो सिंपली हम दोनों का आंसर लिख देंगे यहाँ पे, कि इस क्वेश्चन में जो एक्स आया है वो 70 डिग्री है एंड जो वाई आया है वो 60 डिग्री है. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन में देखो, हमें अगेन ऐसे ही कुछ दे रखा है, दैट 50 एक्स वाई एंड 80. तो देखो, अगर मैं 50 और x को फर्स्ट प्रॉपर्टी से करती हूँ y, y का तो ना मुझे ये वाला एक्सटीरियर पता है ना ही ये, तो उसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकती. सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या यूज़ होती है, दैट 50 प्लस एक्स प्लस वाई. अब ये तो मुझे दोनों नहीं पता, तो दोनों कैसे फाइंड करूँगी. इट मीन्स हमें इसमें कोई और प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी. सो अगर आपको याद हो, हमने फिफ्थ चैप्टर में सीखा था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. जब दो लाइंस इस तरह से एक्स फॉर्म करती हैं तो ये एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट. और ये एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल. सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, दैट वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. लिख सकते हैं ना, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. सो सिंपली हमारा जो वाई है वो कितना निकल गया, 80 डिग्री. सो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो वाई है दैट इज 80 डिग्री. अब तीनों में से दोनों दो पता है तो थर्ड भी निकाल लेंगे. कैसे, 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स, ये क्या हो गए, तीनों इंटीरियर. मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 50 और 80 को जब ऐड करेंगे, इट विल बी 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एक्स निकालने के लिए 130 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा. इट मीन्स इट विल गेट ऑफ माइनस. तो माइनस करके जो एक्स है वो क्या आ गया हमारे पास, 50 डिग्री. सो सिंपली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जिसमें हमने एक्स एंड वाई
दोनों फाइंड कर दिए. सो यहाँ इसका आंसर लिख देंगे दैट इसमें वाई आया है हमारे पास 80 डिग्री एंड एक्स आया है हमारे पास 50 डिग्री. ठीक है, मैं अगेन इसको इरेज कर रही हूँ, आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो. फटाफट से थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले इन तीनों से हम निकालेंगे वाई कैसे. 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180. तो प्रॉपर्टी नंबर टू दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 110 से माइनस करके. सो वाई आ गया यहाँ पे अगेन हमारा 70 डिग्री. ठीक है, समझ आया. अब देखो हमें निकालना है एक्स, ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री. अब एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो लीनियर पेयर बन रहा है ऐसे निकाल लो. लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180. दैट एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लीनियर पेयर. सो 70 हमारा उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड एक्स के आ गया सिंपली 110. ये तो हो गया लीनियर पेयर से, या हम इसको प्रॉपर्टी नंबर वन से भी निकाल सकते हैं. कैसे, सम ऑफ टू इंटीरियर दैट 50 डिग्री प्लस 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर. सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के. सो इससे भी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आई है, 110. तो आप इन दोनों मेथड से, मेथड नंबर वन या मेथड नंबर टू, दोनों में से ही एक्स को निकाल सकते हो. सो इसका थर्ड पार्ट भी हो गया. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर फोर. सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास 30 डिग्री वाई एक्स एंड 60. तो देखो इसमें भी एक्स हम निकाल लेंगे, ये बन रहे हैं वर्टिकल ऑपोजिट. ठीक है, सो इसमें सिंपली हम लिख देंगे दैट एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. अब हमारे पास x आ गया है, एक 30 का पता है हमें एंड y को निकाल लेंगे. कैसे, 30 डिग्री प्लस y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है. सो 60 प्लस 30 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि 90 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा. सो इसमें y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 90 डिग्री. तो दोनों निकल गई, दोनों का हम आंसर लिख देंगे. देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. इसका पार्ट नंबर फाइव देखते हैं. फिफ्थ पार्ट में देखो हमें तीनों ही नहीं पता, x एंड y. सो y तो हम निकाल लेंगे वर्टिकल ऑपोजिट से, वेरी सिंपल. y इज इक्वल टू 90 डिग्री y बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट. ठीक है, अब देखो जो y है वो 90 डिग्री आ गया है हमारे पास. इसको क्लियर सा लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए, दिस इज 90 डिग्री. अब तीनों का क्या करेंगे, सम, क्योंकि एक्स एक्स सेम है. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दैट 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180. अब 90 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा विच विल बी ऑफ माइनस. सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई. सो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 45. सो ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, 45. ठीक है, सो सिंपली यहाँ लिख देंगे y है 90, x है 45, दोनों ही x, क्योंकि दोनों ही सेम है ना, x x है. अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. इसमें देखो कैसे दिया हुआ है, दिस इज एक्स 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 एंड वाई. तो इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझना कैसे करेंगे. सबसे पहले जो ये एक्स है, ये वाई के साथ क्या बना रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट. सो हम क्या लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. बन रहा है ना, देखो ये एक्स बन गया, ये एक्स है तो ये वाई भी क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा सिंपली. सो अब देखो तीनों एंगल्स को करते हैं, एक मिनट. ओके, अब देखो ये तो हमारे पास x बन गया, अब ये भी वर्टिकल ऑपोजिट बन रहे हैं, x बन रहा है. सो ये भी क्या आ जाएगा, x. ऐसे ये भी वर्टिकल ऑपोजिट बन रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, x. सो इट मीन्स तीनों क्या आ गए, x. तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि तीनों ही क्या है, सेम है, x है. एंड ये प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180. सो 3x हो गए, दिस विल इज इक्वल टू 3x 180. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. समझ आया. सो ये तीनों ही x क्या आ जाएंगे हमारे पास, 60 डिग्री. अब x की वैल्यू तो निकल गई 60 डिग्री, बट y कौन निकालेगा,
वाई भी तो निकालना है ना, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया था, सो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 60. सो जितने भी यहाँ पे एक्स हैं या वाई हैं वो सारे ही कितने हैं, 60 डिग्री के. कैसे किया, दोबारा देख लो, वर्टिकल ऑपोजिट बन रहे थे, ये एक्स है तो ये भी एक्स बन जाएगा, ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स, ये वाला एक्स है तो ये एंगल भी एक्स बन जाएगा, और तीनों एक्स का सम क्या है, 180 डिग्री. ठीक है, सो ये था आपका लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का. इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो जाती है. सो कल हम स्टार्ट करेंगे 6.4, जिसके फर्स्ट टू क्वेश्चन उस वीडियो में कवर करेंगे. सो आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.